बात की जाए, प्रदेश में बहुत बड़ा ही फेरबदल किया गया है। चित्तौड़गढ़ सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किस तरह देखते हैं और चित्तौड़गढ़ में कार्यकर्ताओं क्या नजर आ रहा है? सर्वप्रथम माननीय सांसद साहब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति करने पर चित्तौड़ की जनता की ओर से, आम जनता की ओर से, सारे युवाओं की ओर से, इस पर खास करके युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार, जिन्होंने एक योग्य व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, चित्तौड़ के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। आने वाला विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति रह सकती है? निश्चित तौर से आने वाला विधानसभा कांग्रेस के खिलाफ भाजपा और मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि युवा नेतृत्व भाजपा को, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना है, उनके नेतृत्व में पूरा संगठन ताकत लगा के इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, हट पाने में सक्षम होंगे। गुटबाजी जैसी चीज़ें भाजपा में नहीं होती है, ये चीज़ें कांग्रेस की होती है। फिर भी कोई छोटा सा मनमुटाव होगा तो सबको बैठ के साफ बैठ के निपटाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे प्रदर्शन करेगी राजस्थान। चित्तौड़ में सारे युवा, जैसे ही सूचना मिली, कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होना चालू हो गए। कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं थी, कितनी बजे आएंगे, कौन आएगा, इकट्ठा होते गए, हर्षोल्लास के साथ पटाखे फोड़ के, मिठाई खिला के, टोल बजा के उत्साह मनाया।